Now, types of agriculture. On the basis of land available for cultivation, agriculture can be intensive on a small piece of land or extensive on a large farm. On the basis of aim of cultivation, there are mainly two types of agriculture, subsistence and commercial. We will look at these two categories in detail. हम लोग डिस्कस करते हैं अब कितने टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं. ठीक, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ लैंड देखें कितना बड़ा एरिया हमें अवेलेबल है लैंड के लिए, तो देर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ इंटेंसिव, दैट इज़ फॉर अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, एंड द सेकेंड वन इज़ एक्सटेंसिव, दैट इज़ फॉर अ लार्ज फार्म, लार्ज फार्म और अ लार्ज पीस ऑफ लैंड. ठीक, अगर हम एम ऑफ कल्टीवेशन देखें कि किस वजह से हम कर रहे हैं कल्टीवेट, क्या हमारा गोल है, तो उसके लिए भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस एंड द अदर इज कमर्शियल. ठीक, ये अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट टाइप, नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय पीपल हु रियर कैटल, शीप, गोट, कैमल्स एंड याक. The existence of these animals depend on the natural vegetation of the area they are found in. Herds move from one place to another in search of fodder. Nomadic herding is found in parts of West and Central Asia, Northern Eurasia, East and Southwest Africa and the Sahara Desert. ठीक, फर्स्ट टाइप है nomadic herding. ये वो लोग practice करते हैं जिनके पास cattle होता है. Cattle में sheep, गोट, कैमल, याक, तो ये सब नोमैडिक हर्डिंग में ये सब एनिमल्स इंक्लूडेड हैं. ठीक है, और ये सब जो एनिमल्स हैं इनका एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है और उस एरिया के वेजिटेशन पे. ठीक है, कहाँ पे वो पाए जाते हैं, जहाँ पे उनका उनके लिए फॉडर हम इकट्ठा कर सकते हैं, उनके लिए हम प्रोवाइड करा सकते हैं, उनके लिए एरिया वो अवेलेबल होता है या नहीं, वहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग इज पॉसिबल. ठीक, इसमें क्या होता है, हर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे ये सब हर्ड्स को लेके जाते हैं. दैट शेपर्ड जो हैं इनको, इन हर्ड्स को लेके जाते हैं. अब ये हर्डिंग कहाँ पाई जाती है, दिस आर ऑलमोस्ट फाउंड इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न यूरेशिया, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका और सहारा डेजर्ट में. ओके, सेकेंड टाइप, शिफ्टिंग कल्टिवेशन. इट इज़ कॉल्ड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. द फॉरेस्ट कम्युनिटीज कल्टिवेट अ प्लॉट ऑफ लैंड एंड ग्रो क्रॉप फॉर अ फ्यू ईयर्स. द प्लॉट इज देन अबैंडन्ड एज सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी इन फेवर ऑफ अनदर पीस ऑफ न्यू फॉरेस्ट लैंड. दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न मेथड. अब इसमें देखो क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इसको नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इसको झूमिंग भी बोला जाता है. ठीक है, एक कोई सा लैंड में किसी फार्मर ने कल्टीवेट किया कोई क्रॉप, ठीक, कई साल तक, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक अप टू 5 ईयर्स ही कल्टीवेटेड एनी क्रॉप इन दैट पर्टिकुलर लैंड. आफ्टर 5 ईयर्स ही मूव्स टू अनदर पीस ऑफ लैंड, अबैंडनिंग द प्रीवियस लैंड ही वॉज यूजिंग. ठीक, क्योंकि 5 साल तक उसने वहाँ पे क्रॉप को यील्ड कराया तो उस जगह की फर्टिलिटी लूज हो गई, तो अब वो वाली जगह वो अबैंडन कर देगा और कोई नए न्यू फ्रेश पीस ऑफ लैंड दैट हैज़ बेटर फर्टिलिटी वहाँ पे वो ग्रो करेगा और जो प्रीवियस लैंड है उसको छोड़ देगा. तो इसको और भी कोई उसका न्यू नेम है, दैट इज़ स्लैश एंड बर्न मेथड. तो आपको ये रिमेंबर करना है, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा स्लैश एंड बर्न मेथड क्या है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड झूमिंग. ओके, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. दिस अप्रोच टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आल्सो प्रिवेल्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज इन द मानसून रीजन्स. द फार्मर्स हाउएवर गेट हाई यील्ड पर हेक्टर बाय यूजिंग फर्टिलाइजर on a fertile soil to ensure good yields. The crops grown include rice, wheat, maize, pulses, oil seeds and others. अब intensive substances agriculture हम कहाँ करते हैं, ये करते हैं दैट इन द
ट्रॉपिकल कंट्रीज जहाँ पे रेन की अवेलेबिलिटी इज मोर इन द मानसून रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके फार्मर्स को बेटर प्रोडक्शन मिलता है, बेटर आउटकम मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो होते हैं राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स। ओके, ना कमर्शियल एग्रीकल्चर, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। कमर्शियल फार्मिंग में हम मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड हाई यील्डिंग वराइटी ऑफ सीड इन ऑर्डर टू गेट मोर आउटपुट। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं यूजिंग मशीन्स एंड प्रोडक्ट्स लाइक पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा, एंड जो एनिमल्स होते हैं उनको रियर किया जाता है मार्केट में। ओके, नाउ एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, दिस इज अ सिस्टम इन विच अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज यूज बट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर यूज इज स्मॉल कम्पेयर टू द साइज ऑफ लैंड। बहुत लार्ज साइज ऑफ लैंड को ले लेते हैं मगर उनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत कम होता है एज पर द एरिया ऑफ द लैंड। द यील्ड इज लो पर यूनिट एरिया एंड सो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ग्रेन इन लार्ज क्वान्टिटी। ये आप रिमेंबर करो, इट इज यूज फॉर लार्ज प्रोड्यूस। ठीक है, ऑफन द वर्क इज हाईली मैकेनाइज टू ऑब्टेन हायर आउटपुट, रादर मैकेनाइजेशन इसमें यूज होता है सो दैट वन कैन गेट अ हायर आउटपुट। ट्रैक्टर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स, ट्रक्स, डीजल पंप एंड अदर इक्विपमेंट आर कॉमनली यूज। जनरली अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, एक ही क्रॉप होता है जो कि पूरे साल यू नो ग्रो करते हैं जनरली। ग्रेन फार्मिंग इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मैक्सिको एंड रशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर विद बिग फार्म एंड हाई लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये रिमेंबर करना है जहाँ पे भी बिग फार्म्स और देर इज हाई लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन देन इट इज़ अ एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग। पेस्टोरल फार्मिंग, इट इज़ द कमर्शियल रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक लाइक कैटल, शीप एंड गोट्स फॉर मीट, वुल, हाइड्स एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स। पेस्टोरल फार्मिंग में दे आर द कैटल इज नॉट यूज फॉर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक, दे आर यूज फॉर मीट, मिल्क, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द कैटल इट सेल्फ। इट इज़ प्रैक्टिस इन द टेम्परेट ग्रासलैंड लाइक the prairies of the USA, the pampas of Argentina, the veld of South Africa, the steppes of Eurasia and the downs of Australia. The animals are kept in permanent ranches. They are fed on natural grasses and on fodder crops like alfalfa and lucerne. The ranches are scientifically managed. The animals are well looked after. Pastoral farming is highly specialized and there is a separate department for every stage of animal production. ठीक, इसमें एनिमल का बहुत केयर किया जाता है, उनके लिए अलग जगह होती है, सबके लिए उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है सो दे आर वेल लुक आफ्टर। डेयरी फार्मिंग, इट इज़ द रियरिंग ऑफ डेयरी मिल्क, डेयरी कैटल टू प्रोड्यूस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। डेयरी फार्मिंग में तो मिल्क लिया जाता है या उसके प्रोडक्ट लाइक पनीर एंड दही, ऑल दोज दैट आर रिलेटेड टू द मिल्क। डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस अराउंड अर्बन एरियाज, इट इज़ अ हाईली इंटेंसिव टाइप ऑफ लाइफ स्टॉक फार्मिंग। मॉडर्न मशीनरी एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग आर यूज, ठीक, मॉडर्न मशीनरी भी इसमें यूज किए जाते हैं। अ लार्ज लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर द कैटल एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल नीड्स टू बी इन्वेस्टेड। ठीक है, एंड लाइक एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक, इसमें फॉर लुकिंग आफ्टर द डेयरी एनिमल्स large amount of labor is also required. Okay?